नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनिवरश शर्मा। आज हम आपको मध्य प्रदेश के उस गांव के बारे में बताएंगे जहां आज भी प्रभु श्री राम और रावण की सेनाएं एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के कालादेव में अनोखा दशहरा मनाया जाता है। यहां रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि रावण को पूजा जाता है। विदिशा जिले से 120 किलोमीटर दूर लटेरी तहसील के कालादेव गांव में हर साल दशहरे के दिन एक ऐसी अद्भुत घटना होती है जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस आयोजन को देखने के लिए सांची, भोपाल, इटारसी, गुना, ग्वालियर, इंदौर सहित उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लोग पहुंचते हैं। इस गांव में रावण की एक विशाल स्थायी प्रतिमा दशहरा मैदान में स्थित है। इसके सामने एक ध्वज गाड़ दिया जाता है। यह ध्वज राम और रावण के युद्ध का प्रतीक होती है, जिसके समक्ष राम और रावण की दलें आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ती हैं। इस युद्ध के दौरान एक तरफ कालादेव गांव के लोग राम दल के रूप में आगे बढ़ते हैं और ध्वज को छूने का प्रयास करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रावण दल के लोग राम दल पर गोफन से पत्थरों की बौछार करते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि पत्थरों की इस बौछार में राम दल का कोई भी व्यक्ति घायल नहीं होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस गांव का नागरिक नहीं है और राम दल में शामिल हो जाए तो वह व्यक्ति गोफन से फेंके हुए पत्थरों से घायल हो जाता है। सदियों पुरानी इस परंपरा में राम की सेना का प्रतिनिधित्व कालादेव गाँव के लोग निभाते चले आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रावण की सेना का प्रतिनिधित्व आसपास के आदिवासी और बंजारा समाज के लोग निभाते हैं। राम दल के विजयी होने पर हजारों की संख्या में उपस्थित लोग जीत का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं। मध्य प्रदेश के कालादेव में इस तरह के दशहरे की यह परंपरा कब से चली आ रही है, इस विषय में गांव के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। गांव के लोगों के अनुसार उस दौर में टोंक रियासत के नवाब ने दशहरे को रुकवाने का प्रयास किया था। नवाब ने आदेश दिया था कि हमारी सेना गांव के लोगों पर बंदूकों से गोलियां चलाएगी, लेकिन सिपाहियों की गोलियां गांव के किसी भी आदमी को छू नहीं पाई थी। तभी से दशहरे का पावन पर्व इस गांव में हर साल आयोजित हो रहा है। रामलीला के कलाकारों द्वारा राम रावण की लीला का मंचन किया जाता है। इस पूरे आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और जय श्री राम के उद्घोष के नारे लगाकर कलाकारों का मनोबल बढ़ाते हैं। इंडिया खबर लाइव के लिए कलादेव विदिशा से एलएन चौबे की रिपोर्ट। लेकिन यहाँ राम की पूजा होती है और पत्थर मार होती है। पत्थर रावण दल के रहते हैं, राम दल के गांव के लोग रहते हैं और कोई भी किसी को भगवान की कृपा से पत्थर नहीं लगता है।